दुनिया के 10 ऐसे रहस्य जिन्हें आज तक कोई नहीं सुलझा सका। इस दुनिया में ना जाने कितनी कहानियां हैं जो आज भी लोगों को समझ से परे है। मनुष्य आज धरती से चांद, मंगल ग्रह और अंतरिक्ष तक पहुंच गया है, मगर इन सभी के बावजूद उसके इर्द गिर्द में ऐसी कई रहस्यमयी कहानियां हैं जो आज भी एक अबूझा पहेली ही बना हुआ है। तो चलिए जानते हैं दुनिया की ऐसे 10 रहस्यमयी कहानियों के बारे में जो आपका दिमाग चकरा जाएगा। ताओस हम। न्यू मेक्सिको की इस बेहद खूबसूरत मगर छोटे शहर ताओस के बारे में चर्चित है कि इस शहर के बाहरी इलाकों में डीजल इंजन के चलने की आवाज़ सुनाई जाती है। हालांकि इस आवाज़ को सभी साफ साफ सुन सकते हैं, मगर कोई डिटेक्टिव मशीनें इन आवाज़ों के स्रोत को अब तक नहीं पकड़ सकी है। इस आवाज़ को ताओस हम के नाम से जाना जाता है। बरमूडा ट्रायंगल। बरमूडा ट्रायंगल के नाम से जाने जाने वाला ये इलाका मियामी, बरमूडा और पोर्टरिको के बीच पड़ता है। इस इलाके से गुजरने वाले पायलट बताते हैं कि यहाँ कहीं हवाई जहाज और कई पानी के जहाज भी समुद्र में गायब हो चुके हैं। लोगों का मानना है कि इसके पीछे की वजह एलियंस और ग्लेशियर प्रेशर है, लेकिन अब तक इसके पीछे के वास्तविक कारण को कोई नहीं जान सका है। आयनिस लिपि। मानव साइंस और टेक्नोलॉजी में इतनी तरक्की के बावजूद आज तक कोई भी इसी लिपि को नहीं पढ़ सका है। इसके बारे में जो थोड़ी बहुत भी जानकारी मिली है वो किताबों पर बनी हुई तस्वीरें हैं। जैक द रिपर। जैक द रिपर नाम को अब तक ना जाने कितने फिल्मों में, नाटकों में और सीरियल्स में दिखा और सुना जा चुका है। 18वीं सदी के अंत में इस कुख्यात कातिल ने लंदन के पूर्व के इलाके में 11 औरतों को मौत के घाट उतार दिया था। सारी औरतें उस जमाने की वेश्याएं हुआ करती थी। ये खतरनाक कातिल उन औरतों के शरीर को इस कदर तहस नहस कर देता था कि उन्हें कोई पहचान भी नहीं सकता था। मगर अचंभ की बात यह है कि इसे कभी भी पकड़ा नहीं जा सका। क्रिप्टोस। वर्जीनिया लांगल के CIA हेडक्वार्टर के बाहर एक आकृति खड़ी है जिसके सतह पर कोडेड खुदाई हुई है। इस बेहद खूबसूरत आकृति को जिन सोनबर्न ने बनवाया था, जिसके माध्यम से वो बताना चाहते थे कि हर चीज को पैटर्न और क्लू के माध्यम से डिकोड किया जा सकता है। यहाँ 4 सेक्शन में खुदाई हुई है जिसके 3 सेक्शन के मायने तो अब तक निकाले जा चुके हैं, मगर चौथा सेक्शन CIA के सबसे तेज दिमाग वाले लोग भी नहीं क्रैक कर सके। सेफर्ड मोन्यूमेंट इंस्पेक्शन। इंग्लैंड स्टेफोर्डशायर में एक मूर्ति है जिस पर की गई लिखावट को अब तक तेज से तेज दिमाग भी नहीं डिकोड कर सके। हालांकि इस मोन्यूमेंट को 18वीं सदी में ही बनाया गया था, लेकिन वहां पाए जाने वाले चिट्ठियों को आज 250 सालों के बाद भी कोई नहीं पढ़ या समझ सका है। तमाम सुध। सन 1948 के दिसंबर में ऑस्ट्रेलिया के एडिलेड में पड़ने वाले सोमटर्न समुद्र के किनारे विवादास्पद स्थिति में एक अनजान व्यक्ति की लाश मिली। इस व्यक्ति की जेब में एक कागज मिला जिस पर तमाम शुद्ध लिखा हुआ था। इन शब्दों को ट्रांसलेट करने पर ओमर ख्याम के अनुसार अंत और खात्मा मिला, मगर पूरी दुनिया के लोगों और सरकारों के लिए आज भी इस आदमी की मौत और पहचान एक मिस्ट्री ही है। राशि खत वाला कातिल। 1960 और 1970 के दशक में सैन फ्रांसिस्को के खाड़ी इलाकों में एक क्रिमिनल पाया जाता था जिसे पुलिस और प्रेस राशि कातिल के तौर पर जानती थी। ये कातिल प्रेस और पुलिस को ऐसे ऐसे दिमाग खराब कर देने वाले खत लिखा करता था कि लोग पागल सरीखे हो जाते थे। इसके द्वारा भेजे गए 4 खतों में से एक का तो मतलब लोग निकाल सके, मगर बाकी तीनों आज भी लोगों के लिए एक रहस्य बनकर रह गई है। जॉर्जिया गाइड स्टोन्स। अमेरिका के स्टोन नहज के तौर पर जाने वाला ये गाइड स्टोन्स जो एल्बर्ट काउंटी में स्थित है, इसके इर्द गिर्द भी कई रहस्यमय कहानियां बनी हुई हैं। हालांकि इसे 1979 में ही बनाया गया था। इसकी दीवारों पर 10 नए कमांडमेंट्स अंग्रेजी, स्वाहिली, हिंदी, हेब्रू, अरबी, चाइनीज,
रशियन और स्पेनिश में लिखे गए हैं, मगर इसे अभी तक नहीं समझा जा सका है कि ये क्यों और किस लिए यहाँ लिखे गए थे। रोजो रंजो रहस्यमय ईस्टर द्वीप पर जहाँ मोई स्थापित है पर एक जोड़ा नक्काशीदार लकड़ी रखी हुई है, इसे लोग रोंजो रोंजो कहते हैं। इन नक्काशीदार पदार्थ पर क्या खुदा और लिखा है इसे अब तक नहीं जाना जा सका है। हालांकि इससे द्वीप पर किसी जमाने में हुए कलेआम की बातों का अंदेशा लगाया जाता है। वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कीजिए और ऐसे ही वीडियोज़ के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।